हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना शाह में आप सबका फिर से स्वागत है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग की ख्याति है। योग शरीर को सुंदर और तंदुरुस्त बनाता है। योग मन को शांत और रक्त संचार को ठीक करता है। योग अपने शरीर को तोड़ने मरोड़ने का दूसरा नाम नहीं है। सदियों पुराने योग के अद्वितीय फायदे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों ने माना है। योग के जरिए मस्तिष्क एवं शरीर का मिलन होता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं योगाभ्यास के कमाल के फायदों के बारे में। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये फायदे क्या है, तो जानते हैं। कई लोग समझते हैं कि योग मतलब अपने शरीर को तोड़ने मरोड़ने का दूसरा नाम, लेकिन उनका ये सोचना गलत है। योग के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर का संगम होता है। योग के माध्यम से उक्त रक्तचाप, जो मतलब हाई बीपी होता है, वो नॉर्मल सामान्य होता है। तनाव यानी स्ट्रेस कम होता है। मोटापे, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से निजात मिलता है। और योग के इन विस्तृत सकारात्मक प्रभाव के कारण ही योग व्यायाम का वैश्विक स्वरूप बन चुका है। नियमित योग करने से वजन तो कम होता ही है, साथ ही इससे शरीर सुंदर एवं तंदुरुस्त बनता है। योग से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। योगासनों का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह सहज, साध्य व सर्व सुलभ होते हैं। योगासन एक ऐसी वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष खर्च होता है और न तो इतनी साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल, सभी, स्त्री, पुरुष, कोई भी योग कर सकता है। यदि आप नियमित रूप से योग करें तो आप स्वस्थ बन सकते हैं। योग करने से आप में मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नियमित योग से थकान और तंदुरुस्ती दूर होती है और मसल्स की फ्लेक्सिबल बनती है। साथ ही रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्नायु तंत्र, आपका मस्कुलर सिस्टम का नियंत्रण जैसे भी लाभ आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन योगासन का चुनाव करने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। योग आसनों और नियमित ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। योग आसन और नियमित ध्यान से हमारा मन भी शांत होता है और शरीर संतुलित होता है। योग करने से मस्तिष्क के दोनों भाग काम करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों लॉफ काम करते हैं, जिससे आंतरिक संचार अच्छा होता है। नियमित योग करने से आपके सोचने की क्षमता, डिसीजन पावर आपका बढ़ता है। सृजनात्मक हिस्सों में संतुलन स्थापित होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी, उसमें बैलेंस होता है। विभिन्न योग मुद्राओं व श्वास क्रियाएं करने से शरीर का रक्त प्रवाह बेहतर होता है। बेहतर रक्त संचार होने से शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व को संवहन अच्छा होता है, जिससे त्वचा और आंतरिक अंग स्वस्थ रहते हैं। ऐसे विभिन्न आसन हैं जिसमें आप अगर रुक के करें तो रक्त का ठहराव नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरे शरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छे से होता है, आपका हृदय मतलब हार्ट स्वस्थ रहता है। आसन जिनमें थोड़े समय के लिए सांस रोककर अगर रखी जाती है तो वे आपके हृदय और धमनियों मतलब आपके हार्ट और आपके आर्टरीज को स्वस्थ रखता है। ऐसे आसन आपके दिल को फिट रखते हैं। योग से शरीर में लचीलापन आता है, शरीर की शक्ति बढ़ती है। आपका पीठ का दर्द हो या शरीर का कोई भी दर्द हो, शरीर में कोई भी अंग में खिंचाव, तनाव, दबाव हो या कहीं भी कोई दर्द या क्या बोलते हैं थकान हो, उन सबको रोग दूर करता है। और कई समस्याओं जैसे कि जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द जैसी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है योग।
इसके साथ ही योग आपके संचार तंत्र को भी सुधारता है, जिससे खराब मुद्रा में होने वाले दर्द से बचा जा सकता है। नियमित योग करने से आप मोटापे को भी दूर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जैसे कोई दवाई खाते हैं उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, वैसे ही वजन कम होना तो योग की साइड इफेक्ट्स है। तो साइड इफेक्ट तो आना ही आना है, मतलब योग करने से, नियमित करने से आपके मोटापे को तो दूर जाना ही जाना है। योग से स्ट्रेस मतलब तनाव कम होता है। नियमित योग करने से आप धीरे धीरे आपका तनाव दूर कर सकते हो और उससे बाहर निकल सकते हो। योग आपको स्वस्थ और सुंदर बनाता है। सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए। तो ये थे सारे योग के फायदे जो ज्यादातर आप सब जानते हैं, पर क्या आप रोज योग करते हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं योग के इतने सारे फायदे, तो किसका है आपको इंतजार? आज से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। जुड़ जाइए योगा बाय रचना शाह के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग योगा बाय रचना शाह।